हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हैदराबाद और उन्नाव के बाद अब यूपी के बुलंदशहर में गैंगरेप हत्या से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई। यहाँ 2 जनवरी 2018 की शाम को घर के पास से ट्यूशन पढ़कर लौट रही नाबालिग छात्रा के अपहरण, गैंगरेप और हत्या मामले में वारदात के 1.5 साल बाद नाबालिग मृतिका का परिवार बुलंदशहर से पलायन कर गया। जानकारी के अनुसार परिवार बीते अगस्त महीने में बुलंदशहर छोड़ गया और अब मृतिका के घर में किराएदार रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि घर में रहने वाले किराएदार तक को ये जानकारी नहीं है कि आखिर नाबालिग मृतिका का परिवार अब कहाँ है। चीज की मुझे कोई जानकारी कहाँ पे रहते हैं। तो आप जो इस घर में रहती हैं, कैसे रहती हैं? मतलब किराया देती हैं या फिर? किराया देती हूँ। अगस्त से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, मुझे गांव के रहने वाले, जंगियाबाद के पास में। तो इस मकान के मालिक जब यहाँ आते होंगे तो आपने कभी मतलब पूछा हो कि आप अभी कहाँ रह रहे हैं वो लोग? नहीं। या क्यों यहाँ से चले गए? क्योंकि आप हमें कोई हकीकत अपनी आप थोड़ा बता दोगे और फिर हमें किसी से इतना मतलब नहीं रखती। आते हैं, हाँ कोई चीज़ है खाना मतलब है तो उन्हें चाय पानी मंगाना जैसे कुछ देना वो देना, कोई मतलब नहीं ऐसा नहीं। वो हमसे कोई बात हल तो करते नहीं। अच्छा, तो उस बेटी के अलावा जो जिसकी मौत हो गई है उसके अलावा कौन कौन और लोग हैं उनके परिवार में? उन्होंने बताया उनके एक लड़की और है और एक लड़का है, उनके पास दो बच्चे हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ, चार। अब चारों लोग वो यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं। ना आपको जानकारी है कहाँ रहते हैं? नहीं, मुझे जानकारी। हमारे संवाददाता से फोन पर हुई बातचीत में मृतिका के पिता ने बताया कि पीड़ित परिवार को तरह तरह की धमकी मिल रही थी। बता दें कि 2 जनवरी 2018 की शाम घर के पास से नाबालिग का कार सवार दरिंदों ने अपहरण कर लिया था। 4 जनवरी 2018 को पुलिस को नाबालिग का शव ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में नाली में पड़ा मिला था। पूरी घटना का खुलासा करते हुए बुलंदशहर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गैंगरेप, हत्या और पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा था, जबकि इस मामले में योगी सरकार की ओर से परिवार को 10 लाख की आर्थिक मदद भी दी गई थी। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि गैंगरेप हत्याकांड के खुलासे के बाद से ही पीड़ित परिवार को धमकी मिल रही थी, जबकि सुरक्षा की मांग के बाद भी परिवार को सुरक्षा नहीं मिल पाई थी। देखिए, ये 1 जनवरी वर्ष 2018 को एक बच्ची जो नाबालिग थी गुम हुई थी, बाद में 2 दिन बाद उसका शव मिला था और उस संबंध में 364, 302, 201, 376 DIPC 3/4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था। और यहाँ आने के बाद अगस्त माह में मुझे इस प्रकरण की जानकारी हुई और इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस मामले में कुल 3 अभियुक्त थे। तीनों अभियुक्त आज की तारीख तक जेल में हैं, जिला कारागार में निरुद्ध हैं। इसके साथ ही उस पीड़िता के माता पिता को 10 लाख रुपए की सहायता मिल चुकी है, शस्त्र लाइसेंस उसे प्रदान किया जा चुका है और हम लोगों ने अगस्त माह में 8 अगस्त को उसको अस्थाई सुरक्षा प्रदान करने के तहत एक कार्य योजना बनाई थी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत, जो जब भी वो यहाँ पर तारीखों पर आती हैं हर बार जो है वादिया को जो उसकी माँ है उसको सुरक्षा प्रदान की जाती रही है। पिछले महीने में 27 तारीख को जिला न्यायाधीश DM साहब और मेरी ओर से एक उसका प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर इन तीनों के हस्ताक्षर से अस्थाई सुरक्षा प्रदान करने का विटनेस सुरक्षा प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत आदेश पारित किया गया था, उससे संपर्क किया गया है। फिलहाल वो अपना मकान किराए पे दे करके जो पैसे आज 10 लाख प्राप्त हुए थे उससे जानकारी में आया है कहीं उन्होंने मकान ले लिया है। उनका कहना है कि वो पुलिस लाइन में आकर के अस्थाई सुरक्षा यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। सर, पीड़ित परिवार का ये आरोप है तो सर उसको जो आरोपी पक्ष की तरफ से लगातार धमकियाँ मिल रही हैं इसीलिए सर उसने पलायन किया है, घर छोड़ा है, तो इस विषय में सर क्या कुछ निकल कर आया अब तक? देखिए, धमकी जो है कि पुष्टि जो है जाँच से अब तक नहीं हो पाई है। अभियुक्त सभी जेल में हैं और हम लोग सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं, उनके परिवारी जनों अभियुक्तों के परिवारी जनों पर भी नज़र रखे हैं।
और धमकी जैसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन एहतियातन उसको जो है सुरक्षा प्रदान कर दी गई है और एक अस्थायी गैनर उनको दिए जाने का आदेश पिछले माह में 27 तारीख को ही जारी कर दिया गया है, और जो उनसे वार्ता हुई है उसके क्रम में एक दो दिन में खुद आकर के यहाँ पुलिस लाइन से सुरक्षा प्राप्त करके ले जाएंगे अपने साथ। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार की ओर से दावा किया गया है कि पुलिस की जांच में धमकी जैसी कोई बात सामने नहीं आई और पीड़ित परिवार को हर हाल में इंसाफ दिलाया जाएगा। पुलिस का दावा ये भी है कि परिवार स्वेच्छा से घर किराए पर उठाकर बाहर गया है। फिलहाल पलायन की खबर के बाद से ही पुलिस पीड़ित परिवार से संपर्क साधने में लगी है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time24 News, जज्बा सच दिखाने का।